बड़ी खबर इस बीच एक और आ रही है कि हाथरस में न्यायिक आयोग की भी जांच अब तेज होती नजर आ रही है। आज जनता दरबार लगाएगी न्यायिक टीम, पीड़ित परिवारों से भी न्यायिक आयोग के तमाम अफसर आज मुलाकात करेंगे और आज अफसरों के भी बयान दर्ज करने वाला है जो न्यायिक आयोग की टीम गठित की गई है। कल ही घटनास्थल का टीम ने निरीक्षण किया था। लेकिन हमने पूरा स्पॉट देखा, आज किधर से गए, किधर से आए, कितना रश रहा होगा, व्हाट आर द एग्जिट पॉइंट्स, क्या कैपेसिटी हो सकती है, कहां पर वो एक निवेदन क्या कि जो हमारी इंक्वायरी की लाइट में हम समझते हैं कि इनसे पूछताछ करना वी हैव बीन मैंडेटेड टू गिव अवर रिपोर्ट विद इन 2 मंथ। चलिए तो मेरे तमाम सहयोगी ग्राउंड जीरो से मौजूद हैं, ऋषिकेश भी हमारे साथ हाथरस से ही बने हुए हैं। ऋषिकेश, अब आज न्यायिक आयोग की टीम पीड़ित परिवारों से मिलेगी, अफसरों के भी बयान दर्ज होंगे, किस टाइम ये सब काम होगा, क्या तस्वीर, क्या माहौल इस वक्त हाथरस में बना हुआ है? नहीं देखिए, आज जो जुडिशियल इंक्वायरी गठित हुई है, जो न्यायिक आयोग है उसका दूसरा दिन है और अब से थोड़ी देर के बाद पीडब्ल्यूडी का जो गेस्ट हाउस है वहाँ पे जो तमाम अधिकारी हैं वो वहाँ पे मौजूद रहेंगे और सभी लोगों को ओपन बुलाया गया है वहाँ पे कि इस संबंध में क्या कहना है, किसे नहीं कहना है, किसको आप कसूरवार मानते हैं, नहीं मानते हैं। और एक पार्ट होती है, जब भी न्यायिक आयोग का गठन होता है तो उसमें उस पर यह आरोप चस्पा ना हो कि आप एक पक्ष या दो पक्षों से मिलकर आपने सिर्फ बंद कमरे में बयान दर्ज कर लिया, जिनको जो बातें कहनी है वो नहीं कह पाए। तो इसकी एक प्रक्रिया और इसीलिए पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में जो तमाम अधिकारी हैं, जो न्यायिक आयोग के जो सदस्य हैं वो वहाँ मौजूद हैं और जिस किसी भी को भी लगता है वहाँ, चाहे वो चश्मदीद हो, जो मृतक परिवार है उनके आश्रित हो, हमारे जैसे पत्रकार हो, वहाँ के अधिकारी हो, स्थानीय लोग हो, जिसको भी अपना बयान दर्ज कराना हो, जो भी अपनी बात कहनी हो उनके सामने कहेंगे। और उसमें जो 4 सवाल पूछे जा रहे हैं न्यायिक आयोग की तरफ से, घटना क्यों हुई, घटना कैसे घटी, घटना की जिम्मेवार आप किसको मानते हैं और जो जिम्मेवार जिसको मानते हैं उस पर फिर न्यायिक आयोग को क्या लगता है, उसको कैसे जस्टिफाई करेगा, इंसाफ की लड़ाई को कैसे आगे बढ़ाएगा। आज की रिपोर्ट और कल के जो रिपोर्ट है उसके बाद वो कैंप कार्यालय लखनऊ जाएंगे, वहां वो रिपोर्ट सबमिट करेंगे और फिर फिर उसके बाद जो चीज़ें हैं वो कम से कम उसके बाद फिर वहाँ से तय होगा कि क्या है, कैसे है, और फिर उसके बाद वहाँ से नोटिस की प्रक्रिया जारी होगी। जो बार बार कहा जा रहा है यहाँ पे अपने तरफ से कि क्या वो वाकई में जो बाबा के खिलाफ क्या कोई समन जारी होगा, नहीं होगा, ऐसे बहुत सारे सवाल है। क्योंकि अब तक देखिए, जिन लोगों पर ये कार्रवाई हुई है, जिनकी गिरफ्तारी हुई है, उनका सीधा संबंध आश्रम से तो जरूर है, ट्रस्ट से तो जरूर है, लेकिन अब तक ऐसा कोई कार्रवाई नहीं हुआ है जिसको लेकर बाबा से सीधे पूछताछ हो सके। और इसी को लेकर के सबसे ज्यादा राजनीति भी हुई है। मैं जिस जगह पर मौजूद हूं, दूसरी बात यह है कि जिस मधुकर की न्यायिक हिरासत की मांग, न्यायिक हिरासत में है और पुलिस रिमांड जो मांग रही है, उसका ससुराल ही बगल में कराबली है, जहां जिस आश्रम से महज 5-7 किलोमीटर दूर। और देखिए एक और बात है कि मैं जिस आश्रम में मौजूद हूं वहां के जब जो लोग हैं वो निकल आपत्ति जता रहे हैं कि बाबा के खिलाफ एक तरफा रिपोर्टिंग हो रही है, उनकी बातों को नहीं सुना जा रहा है, तो हम लोग कोशिश भी कर रहे थे कि शायद उनके कुछ लोग अगर बात कर पाए तो मैं आपको जरूर उनसे उनका पक्ष रखूं, क्योंकि बार बार ये कह रहे हैं कि उनके लोग, भाई साहब है कोई अपना पक्ष रखने के लिए? तो देखिए जो भी मीडिया कर रहे हैं कि यहाँ पर दोनों ही पक्ष रखे जाएं, कोशिशें जारी रखिएगा, फिर से कोशिश करूंगी आपके पास वापस लौटने की। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।